तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस सवाल को अगर मैं देखूं यहाँ से कि 1 ग्राम ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर एट प्रेशर, 1 ग्राम ऑफ वाटर है यहाँ पर कंटेनर में, अगर वाटर ले लेते हो तो इस वाटर का जो मास है वो 1 ग्राम है और इसको हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 10% ऑफ हीट सप्लाई, जो भी हम हीट सप्लाई यहाँ से कर रहे हैं उसका 10% इज यूज फॉर इंक्रीज द वॉल्यूम, यहाँ से इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस फेज चेंज, मतलब ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो फेज चेंज हुआ, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले ये देखो कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वर्क डन कितना हुआ होगा। तो अगर मैं वर्क डन निकालता हूँ तो वर्क डन इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा भी, तो प्रेशर कितना है तो 3 × 10 की पावर 5 पास्कल, और चेंज इन वॉल्यूम जो है 1/1600 और 10³ है, तो 10⁻⁶ यहाँ से, तो 10⁻⁶ में 480, 480 जूल वर्क डन हुआ होगा, ठीक है। ये कहता है कि इफ़ द 10% हीट सप्लाई इंक्रीज द वॉल्यूम, इतना मतलब ये जो वर्क डन हुआ है वो 10% जो हीट सप्लाई किया गया है यहाँ से, जो क्यू दिया गया है इसका 10% ही यूज हुआ वर्क डन में, मतलब ये वॉल्यूम चेंज होने में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल हीट कितना रहा होगा, तो एक्चुअल हीट जो भी रहा होगा, जो भी दिया गया होगा उसका 10% तो ये है, तो एक्चुअल जो हीट है क्यू वो 4800 रहा होगा इतना जो, तभी तो इसका 4800 का 10%, इसका 10% वर्क डन ये में कन्वर्ट हुआ होगा। तो ये कहते हैं इंटरनल एनर्जी की, अब यहाँ बात करोगे तो इंटरनल एनर्जी जो है, जब 10% फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो हीट जो भी हीट था उसका 10% तो वर्क डन में हो गया, तो 90%, हाँ 10%, तो 90% किस में गया, इंटरनल एनर्जी में गया। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ से देखोगे, इंटरनल एनर्जी की सोल्यूशन देखोगे तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 90% ऑफ हीट सप्लाई, तो हीट सप्लाई जो भी हीट सप्लाई हुआ है उसका 90%, तो उसका जो 90% तुम देखोगे तो 90% ऑफ 4800, तो इसका 90% मतलब 90/100 और यहाँ से 4800, तो ये दो जीरो से यहाँ से ख़त्म कर देते हो तो यह आ जाता है 4320 इतना जूल अपना दिखेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से हाँ 90% तुम देखोगे तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दिस इज द डेल्टा यू। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।